Hello everybody, welcome to Arhan Entertainment, Love, Death and Robots Volume 2 या Season 2, जो चाहे आपको बोल सकते हो आप लोग। मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ इसका रिव्यू करने में, तो यार उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। खैर, बैकग्राउंड में आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मंथ नहीं है ये बारिश का, लेकिन हो रही है बारिश, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपना काम नहीं रुकना चाहिए। चलिए अब बात करेंगे सीजन 2 के। तो इसमें टोटल 8 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 7 मिनट से लेके 18 मिनट के बीच में ही, तो यार बहुत ही कम वक्त में आपका ये सीजन 2 कंप्लीट हो जाएगा। बट ये वर्थ वॉच है या नहीं, उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीजन 1 की बात करेंगे, उसका यहाँ पर नाम लेना ज़रूरी, क्योंकि सीज़न 1 अगर अच्छा नहीं होता, ऑडियंस को पसंद नहीं आता, तो सीज़न 2 बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो सीज़न 1 के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि 18 एपिसोड्स थे, लेकिन हर एक एपिसोड की कहानी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, यूनिक थी, और कुछ ऐसी कहानियाँ थी जो आज भी, यानी कि 2 साल बाद भी याद है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो दही वाली, योगर्ट वाली, और ग्लोबल वार्मिंग वाली, यानी कि बहुत सारी थी यार, कितनी बताओ। और वो जैपनीज वाली जो मैजिशियन वाला, जो बिल्ली बिल्ली क्या बताया था लोगों ने, फिर वो ड्रैकुला वाली, यानी कि यार अनगिनत स्टोरी थी जो उसमें थी, जो अब तक मुझे याद है। और अगर सीज़न 2 की बात करो तो सिर्फ 8 एपिसोड्स हैं, यानी कि 8 अलग अलग स्टोरीज़ है, और उसमें कुछ भी मुझे यूनिकनेस नहीं लगा। हालांकि क्रिएटिवनेस लगा, उनके एनिमेशन यूनिक लगे, जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया वो यूनिक लगा, लेकिन जो कहानी होती ना उसमें दम नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एपिसोड ऑटोमेटेड क्लीनिंग सर्विस, तो यार ये एपिसोड अच्छा है, लेकिन जो उसकी कहानी थी उसमें नयापन नहीं था। जैसे कि जाहिर सी बात है यार, फ्यूचर में इंसानों के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी होगी, तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए किस हद तक डेंजर भी हो सकती है, वो हमें फर्स्ट एपिसोड में बताया। तो यार इस तरीके की चीज़ें हमने कई बार देखा, एटलीस्ट मैंने तो देखा, तो मुझे उसमें नयापन कुछ नहीं लगा। हाँ, लेकिन जो एनिमेशन था, जो प्रेजेंटेशन था, वो अच्छा लगा। और सेकेंड है आइज, इसकी सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसके जो विजुअल्स थे, जो एनिमेशन थे, वो मुझे इतना यूनिक लगा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह की एक मूवी बनना चाहिए बिल्कुल इसी एनिमेशन के थ्रू। यार कितना अलग ही एक्सपीरियंस होगा, सोचो पूरी एक मूवी बिल्कुल ऐसे ग्राफिक्स में देखो, तो यार बहुत ही बढ़िया लगेगा ना। मतलब आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है, अगर आप लोगों ने देखा है सेकेंड एपिसोड आइज। थर्ड एपिसोड पॉप स्क्वाड, उसकी भी कहानी काफ़ी सिमिलर है, जो हमने इससे पहले बहुत बार देखी है, लेकिन द वे दे हैव प्रेजेंटेड वो बहुत ही बढ़िया है। और कहानी सिंपल सी है कि पूरे वर्ल्ड में सब इमॉर्टल है, यानी कि कभी भी मर नहीं सकते, तो ऐसे में यहाँ पर बच्चों की क्या ज़रूरत है। तब फिर लोग आगे क्या करते हैं वो तो आप लोग कहानी में ही देख लोगे। इसके बाद जो फोर्थ स्टोरी आई थिंक स्नो इन डेजर्ट, काफ़ी इंप्रेसिव है, शायद आप स्नो इन डेजर्ट है, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उसकी कहानी भी मुझे अच्छी लगी, यूनिक लगी, हटके लगी। और एक एंड में जो ट्विस्ट दिया ना, वो ट्विस्ट से मैं एक्सपेक्टेड नहीं था, वो लड़की का वो बहुत, अरे यार स्पॉइलर दे दिया, चल कोई देखने वाला एनिमेशन यार, बहुत सारे लोगों ने देख चुके हैं, तो वो मुझे बढ़िया लगी। इन टॉल ग्रास, उसकी जो स्टोरी थी, मैंने एक मूवी देखा था इन द टॉल ग्रास, हॉलीवुड की मूवी थी, तो काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर लग रहा था, लेकिन उसमें भी जो एक ट्विस्ट डाला है वो उस स्टोरी को एटलीस्ट दूसरी स्टोरी से बेटर बनाता है। फिर उसके बाद सबसे एंड वाली द ड्रॉन जाइंट, वो मुझे काफ़ी यूनिक लगी, हटके लगी। इस तरीके की स्टोरीज आई थिंक लव डेट एंड रोबोट्स में अब तक नहीं बनी, तो यार कह सकते हो कि 8 में से 4 स्टोरीज मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, बाकी सारी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और सेंसलेस लगी। तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि सीज़न 1 के मुकाबले में सीज़न 2 मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। अगर आपको देखना है तो देखो, अदरवाइज आप लोग नहीं भी देखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा कि लव डेट एंड रोबोट्स हमेशा से एडल्ट लोगों के लिए ही बनाया गया शो है। हालांकि सीज़न 2 में कुछ इतना ज़्यादा एडल्ट मुझे नज़र नहीं आया, बस स्नो इन डेजर्ट में शायद वो किसिंग सीन वो सब है, बाकी वो एंड में वो जो न्यूड बॉडी देखने को मिली द ड्रॉन जाइंट में, उसके अलावा तो मेरे को याद नहीं आ रहा कि कुछ है, तो अब आप लोग खुद डिसाइड कर लो। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 6 out of 10, इट वॉज फॉर मी डिसअपॉइंटिंग। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।